नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ये बात सामने आई है कि नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से भी लीक हुआ था। तो नीट परीक्षा पेपर लीक का तार अब झारखंड से जुड़ गया है। देवघर से 6 छात्र को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस पेपर लीक का तार देवघर, हजारीबाग और रांची से सामने आया है। तो पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड आधार से ये पूरी जानकारी सामने आई है। इधर परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि विवादों को बढ़ते हुए देखकर सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है। तो तेजस्वी यादव का पीएस को भी ईओयू ने नोटिस भेज दिया है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है और वे लगातार सड़कों पर उतरकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। तो परीक्षा के पेपर लीक मामले का तार एक बार फिर से नालंदा जिले से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक 6 बिचौलियों, 4 छात्रों और 3 अभिभावकों समेत कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सबसे चौंकाने वाले खुलासे बिहार में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों ने किए हैं, जिसमें एक छात्र, एक उसके चाचा और 2 बिचौलिए। उन्होंने कथित बयानों में पुलिस को बताया कि कैसे 5 मई की परीक्षा से एक दिन पहले ही 4 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र और जवाब याद करने के लिए कहा गया है और प्रति उम्मीदवार 40 लाख रुपए लिए गए। तो अहम सवाल ये है कि इस पेपर लीक के इतने बड़े लीक के पीछे किसका दिमाग है? मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र सबसे पहले किसने लीक किया और अब इसमें जो राजनीतिक लिंक जोड़े जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? पर इससे पहले सुनिए तेजस्वी यादव की ये बयान। अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है, है ना? लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है, अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का। तो देख सकते हैं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर आप पूरे देश भर में लोग एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के पीएस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त नीट पेपर लीक मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नए अपडेट निकल कर सामने आए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ, बता दें, दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर निशा, और पटना से हमारे साथ संवाददाता सुदेंदु रमन मौजूद है। सबसे पहले हम चलेंगे निशा जी के पास। निशा, बताइए इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं और कई राज्यों में जो अभ्यर्थी है वो लगातार धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, छात्रों की जो मांग है वो ये है कि जो एनटीए जो है स्वायत्त एजेंसी जो इस परीक्षा का संचालन करती है उसको ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जबकि आपको बताऊं कि एनटीए का की स्थापना 2017 में इसलिए की गई थी कि छोटे छोटे राज्यों में, भारत के इतने राज्य हैं, हर एक राज्य अपनी एग्जाम संचालित करती थी, तो सभी को कंबाइंड करते हुए और छात्र के हितों को देखते हुए एक तरह का पूरे भारत में
केंद्रीय स्तर का एजेंसी थी जो कि प्रवेश परीक्षाएं जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परीक्षाएं थी यूपीएससी से लेकर स्टेट की और इसके साथ ही नीट जेई इस तरह की यूजीसी नेट जो भी बड़े एग्जाम्स और प्रवेश परीक्षाएं थी वो एनटीए संचालित करती है। अब छात्रों की मांग है कि एनटीए के वजह से यह एग्जाम जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है। इधर जबकि सरकार फरवरी में ही पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए संसद में इसके खिलाफ कानून पारित हो चुका था और अब जबकि 21 जून को इसको लागू कर दिया गया है तो काफी सख्त कानून बनाए गए हैं और आगे से किसी तरह की पेपर लीक की कोई संभावना न रहे इसीलिए इसमें सजा भी काफी कड़ा कर दिया गया है। 3 से 5 साल तक की सजा के साथ 10 लाख रुपए का प्रावधान जुर्माना और इसके साथ ही इस बार जो किया गया है जो केंद्र इस एग्जाम को संचालित करती है अगर उसके अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए तो 3 से 10 साल तक की उनको सजा दी जा सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इतना ही नहीं अब जो होगा वो अगले 4 साल तक उस केंद्र पर कोई परीक्षा भी संचालित नहीं होगी। तो इस बार एक नई चीज यह देखने को मिली है कि इस कानून में छात्रों से अधिक परीक्षा संचालित करने वाले संस्थाओं को टारगेट किया गया है ताकि इस तरह की धांधली न हो। बिल्कुल, चलिए हम हमारे सहयोगी संवाददाता सुदेंदु के पास चलेंगे जो कि पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेंदु बताइए इस वक्त पटना में क्या कुछ स्थिति है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पटना से हुई है जो किंगपिंग है वो भी पटना से माने जा रहे हैं, इस पर राजनीतिक भी काफी तेज हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास सुदेंदु? कीर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नीट पेपर लीक जो मामला है और उसके तार जो है कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड से जुड़े हुए नजर आए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह से लगातार जो बिहार में छापेमारी चल रही थी 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और ईयूयू ने 9 जो छात्र थे जिन पर संदेह था कि इनका हाथ हो सकता है या ये शामिल है उनको बुलाया था ईयूयू के दफ्तर में, लेकिन मात्र 3 छात्र छात्राएं वहां पर आई और उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका था कि बिहार में जो तार जुड़े हैं जिस तरह से संजीव मुखिया का नाम शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा नाम संजीव मुखिया का है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं, हालांकि नगर नौसा जो है उस क्षेत्र से आते हैं गांव बताया जा रहा है, लेकिन लगातार ये खबरें चलती हैं कि संजीव मुखिया जो है उनके बेटे बिट्टू वो पहले से भी जेल जाते रहे और उन पर जिस तरह से पेपर लीक का इससे पहले भी जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन लगातार ईओयू सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार ईओयू इसमें है शामिल होती है और लगातार हर एक पन्ने को खंगाल रही है, हर एक कह सकते हर एक पहलुओं पर जो है गहरी नजर है, तीखी नजर है ईओयू की और लगातार धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो है डीजे हसनैन खान को बुलाया है और उनसे जानकारी मांगी है कि आखिर जो बिहार से जो तार जुड़े हैं और किस तरह से जो पूरा जो ये पेपर लीक कांड है किस तरह से हुआ, किस तरह से कटिहार से हुआ। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं आपको कि जो झारखंड से एक बस आ रही थी और उस बस से बहुत सारे परीक्षार्थी को वहां पर जो है शक के आधार पर वहां गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एनएचएआई के जो रेस्ट हाउस और यहीं से जो कड़ी है यहीं से खुलती है कि आखिर एक अजनबी एक ऐसा व्यक्ति जो मुजरिम है जिसने पेपर लीक करवाया उसके द्वारा कैसे एनएचएआई के अधिकारियों को फोन करके कमरा बुक करवाया जाता है, जो तेजस्वी यादव के आप सचिव है प्रीतम कुमार उनके द्वारा कॉल किया जाता है प्रदीप कुमार को और कहा जाता है कि ये कमरा बुक करने के लिए। सबसे कड़ी जो अहम कड़ी है वो यहीं से शुरू होती है और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जब सरकार की फजीहत इसमें होने लगी तो डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है उन्होंने खुद ही कमान संभाली और सारे तथ्यों को सामने लाया, जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उसको लाया, जो व्यक्ति इसमें शामिल थे आखिर किसको कॉल गया था उस व्यक्ति जो प्रदीप कुमार है संविदा कर्मी है उनको लाया। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है वापस लौटेंगे निशा जी के पास भी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि लगातार जो है तमाम छात्रों की बात तो करें छात्र जो है वो तो लगातार विरोध कर ही रहे थे लेकिन इसके साथ ही आप देखें तो कांग्रेसी जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर है, राहुल गांधी इस पर बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी का बयान सामने आ रहा है और अब सड़क पर आकर पुतला दहन भी किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है निशा?
देखिए लगातार कांग्रेस हो या आप हो, दिल्ली में मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही इस पूरे एग्जाम में जो अभी होने वाला था यूजीसी नेट सीएसआईआर का एग्जाम 25 से 27 जून को, उसको भी कैंसिल किया गया है। हालांकि इसके लीपापोती के लिए एनटीए ने कहा है कि कुछ लॉजिस्टिक वजह है, लेकिन पेपर लीक ही इसका भी मामला था। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि यह पहला मामला नहीं है जबकि पेपर लीक हुआ है। अगर हम इंडिया टुडे के में छपी रिपोर्ट को ही देखें तो पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 ऐसे मामले आए थे जहां पेपर लीक हुआ था और इससे 1,70,00,000 छात्र प्रभावित हुए थे। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। ये मामला इसीलिए काफी ऊपर गया है क्योंकि जो हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें नीट में जो धांधली का आरोप लगा और जिस तरह के आर्थिक इकाई इसमें सामने आई, आर्थिक अपराध हुआ है, 30 से लेकर 50 लाख तक का जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि प्रत्येक छात्र से लिया गया है प्रश्न पत्र के लिए। इसमें आपको बता दूं कि बिहार पुलिस और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें बहुत कुछ ये खुल के अभी सामने आएगा कि रिपोर्ट में क्या क्या है, लेकिन जांच से काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। मामला रह गया बिहार का, तो केवल बिहार ही एक ऐसा या झारखंड ही ऐसा राज्य नहीं है जहां इसके तार जुड़े हैं। अभी ताजा मामले में यूपी के जो पुलिस भर्ती मामले के आरोपी थे उनको भी इसमें संलिप्त पाया गया है। तो एक एक करके इसके तार हर भारत के हर एक राज्य से खुलते जाएंगे। इसमें काफी कुछ देखना है और बहुत कुछ जो मांग है, राहुल गांधी ने कहा संसद में मांग उठाएंगे, तो संसद से कानून पहले ही पारित हो चुका है, अब जरूरत है कि इसको अमल में लाया जाए और जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार किया जाए। जहां तक एनटीए को खत्म करने की जो मांग छात्र कर रहे हैं, यह एक स्थापित एजेंसी है और इसके माध्यम से परीक्षाओं को जिस तरह से संचालित किया गया। बिल्कुल निशा जी, सही कह रही हैं आप। सुदेंदु के पास वापस चलेंगे क्योंकि देखा गया कि झारखंड के देवघर से भी 6 लोग पकड़े गए हैं। हालांकि पुलिस कह रही थी कि बिहार पुलिस आती है, गिरफ्तार कर ले जाती है, लेकिन पहले सिर्फ कहा जा रहा था कि दूसरे चीजों पर पूछताछ की जा रही है। ये नहीं बताया गया था देवघर पुलिस को कि नीट पेपर लीक मामले में ही इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर पुलिस किसे छुपा रही थी बिहार पुलिस, और आखिर ऐसा क्यों, क्या कुछ छुपाया जा रहा है इसमें? जिस तरह से ईयूयू ने जो काम किया है, लगातार ईयूयू ने इसकी शंका पहले भी जाहिर की थी और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो है नीट पेपर है लीक हुआ है और इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं। जैसा कि आपने बताया कि देवघर में जाके 6 परीक्षार्थियों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, तो पहले मैं बताऊं कि इसकी जो कार्रवाई हो रही है ईओयू की तरफ से इतनी सतर्कता से हो रही है, जिस तरह से लगातार जो छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को पकड़े जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हरे एक पहलू पर जो है ईओयू ने अपनी नजर बना रखी है। लगातार एडीजे जो हसनैन खान है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं और सेंट्रल की टीम, जो मैं आपको बताऊं कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो भी नजर बनाए हुए और लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिर आज क्या हुआ कल। लेकिन सुदेंदु आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, सुदेंदु आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नजर बनाए हुए, लेकिन यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान ने आज से कुछ दिन पहले ही कहा था कि पेपर लीक जैसी घटना कुछ नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बिहार से जो जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, पहले भी गिरफ्तारी हुई थी और उन गिरफ्तारियों के मद्देनजर मैं आपको बताऊं कि ईओयू ने कमान संभाला, पहले बिहार पुलिस देख रही थी लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने फिर इसकी कमान संभाली और उसके बाद जो सारे तथ्य थे उस पर से पर्दा हटते गया। लगातार चाहे संजीव मुखिया की बात की जाए, चाहे प्रीतम कुमार की बात की जाए, या सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरह से जो एनएचएआई के गेस्ट हाउस से जिस तरह से कह सकते हैं कि वहां पर ठहराया गया अनुराग यादव को, वहां पर ठहराया गया था और वही प्रश्न पत्र दिए गए थे वहां पर रटने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कीर्ति कि आखिर जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो हुए कहां से है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लगातार जो है विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करते रहा है कि जो छपाई होती है, जो प्रिंटिंग प्रश्न पत्र की होती है, आखिर इतनी कड़ी व्यवस्था के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन एजेंसियों को छपाई का कार्य देती है कहीं वहीं से तो ये प्रश्न पत्र लीक नहीं होते हैं। तो बड़े सवाल है, सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और देखना ये होगा कि जिस तरह से बिहार
कि ईओयू टीम जो है लगातार काम कर रही है और लगातार इसमें रिजल्ट भी दे रही है। मैं आपको बताऊं कि बिहार एक ऐसा जगह था जहां सबसे पहले गिरफ्तारी हुई और पूरे देश में मैं आपको बताऊं कि गुजरात का भी नाम आ रहा था, राजस्थान का भी नाम आ रहा था, लेकिन हरियाणा सिर्फ और सिर्फ बिहार में हुई और उसके बाद देवघर में हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है बिहार पुलिस के लिए और एनटीए को इससे सीख लेनी होगी कीर्ति कि जिस तरह से उन्होंने सागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोबारा से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सागर आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। सागर क्या कुछ नए अपडेट्स है, कितनों की गिरफ्तारी अब तक फिलहाल हो चुकी है और चूंकि बिहार में आप ग्राउंड रिपोर्ट पर बने हुए ग्राउंड जीरो से लगातार हमें खबरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो चलिए फिलहाल सुधेंदु और सागर से किसी कारणवश जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं, निशा जी के पास चलते हैं। निशा बताएंगे कि फिलहाल जो है एनटीए पर क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, ईओयू ने जो है नोटिस जारी कर दिया है कई लोगों को, अगर बिहार झारखंड और बाकी अलग राज्यों की बात की जाए, फिलहाल एनटीए पर क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे और क्या कुछ इसे हटाने के लिए किया जाएगा आगे? देखिए एनटीए कोई एक स्वायत्त एजेंसी है जो जिसका कार्य बड़े स्तर पर परीक्षाओं को संचालित करना, राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं उनको देखना और उनके मॉनिटरिंग करने से कई उनके बड़े प्रोजेक्ट है और इसको इतनी जल्दी से कोई एक्शन लेने का जो स्कीम है, इसकी जो स्थापना की गई है एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई है, तो इस पर जिस तरह से छात्रों की मांग है कि इसको समाप्त किया जाए या जिस तरह के इस पर एक्शन लिया जाए, तो इस तरह के किसी संभावना को इतनी जल्दी नहीं एक्शन लिया जा सकता है। सुधेंदु अब तक सुधेंदु के पास चलेंगे। सुधेंदु अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी, 20 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ नए एक्शन नए कड़े कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल कीर्ति मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे मैं आपको बताऊं कि ईओयू ने जो है प्रीतम कुमार को नोटिस दिया है, अब देखना यह है कि प्रीतम कुमार उसका जो है जवाब क्या देते हैं, आखिर उनका जिस तरह से जो जवाब आएगा, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि प्रीतम कुमार उसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उन्हीं के द्वारा फोन करके जो है रूम बुक करवाए गए थे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है छापेमारी चल रही है, आपने देखा कि हजारीबाग से इसके तार जुड़े हैं, देवघर में भी वहां कुछ लोग पकड़े गए हैं और इसके बाद अभी लगातार जो है जो 9 छात्रों को जब बुलाया था ईओयू ने, उसमें मात्र 3 छात्र ही आए थे, यहाँ पर ईओयू के पूछताछ में उपस्थित हुए थे, हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी बचे जो 6 छात्र हैं, आखिर उनके परिजनों के साथ भी पूछताछ की जाएगी, छात्रों के साथ भी पूछताछ की जाएगी और तब जो नया मोड़ है, अभी तक जो कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो इस नीट पेपर लीक कांड का है वो पकड़ा नहीं गया, हालांकि संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, सिकंदर का नाम आ रहा है, लेकिन इनसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो इस सारे गिरोह को संचालित करता है। यहाँ जानकारी दी आपने और इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ निशा भी जुड़ी हुई थी दिल्ली से, न्यूज एडिटर हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब मास्टरमाइंड जो है संजीव मुखिया की भी गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी जारी है और इसके साथ ही जो कनेक्शन है लगातार बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश जो है एक मुख्य केंद्र नजर आ रहा है, ऐसे में देखना होगा कि इस पेपर लीक मामले में और कितने गुनाहगार शामिल है और कब तक इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ, नमस्कार।